नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 23 मई 2023 दिन मंगलवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू के क्या बाजार है, मंडी में आज की आलू की क्या रिपोर्ट है, चलिए जानते हैं। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है, चाहे वो सूर्य आलू हो, चिप्सोन आलू हो, LR लाल आलू हो, नया पुराना जो भी है, ये 50 किलो की रेट है। चलिए जान लेंगे जसकरण भाई साहब के पास आज की जो गाड़ियाँ आई हैं, 3-4 कहाँ की आई, क्या क्या रेट में आलू चले, चलिए जानते हैं आज की क्या पोजीशन है जी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार आनंद जी। जसकरण भाई साहब जी, आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियाँ जी मार्केट में आज के कैसे बाजार जी? राणा जी अगर आज की बात करें मंडी के अंदर तो 107 गाड़ी की रिपोर्ट है, 107। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत कहाँ आ रही है कि हमारा बैलेंस नहीं खत्म हो रहा। अच्छा जी। 107 गाड़ी में से आप ये समझो कि 58-60 गाड़ी तो कल की बैलेंस बची है इसमें जी, 58-60 गाड़ी, और ये मेरे ख्याल पिछले हफ्ते से लेके अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट बैलेंस बच रहा है हमारे पास। अच्छा जी। 118 गाड़ी के अंदर भी 60 गाड़ी बचनी मायने रखती है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है आपने कल देखा होगा, कल रिकॉर्ड टूटा है, कल सबसे गर्म दिन था। हाँ जी। कल 46 डिग्री टेम्परेचर कल पहुंच गया था। हाँ जी। ये समझो कल मंडी में 1-1.30 बजे 2 बजे बैठना तक लोगों के लिए माहौल हो गया था। हाँ जी। बात वही चक्कर है, अब जितने भी हमारे पास आ रहे हैं सारे ग्राहक आते हैं, हर बंदा यही शिकायत करता है कि गर्मी के अंदर जो है वो आलू टिक नहीं रहा, प्लस आगे बिक्री हो नहीं पा रही, जिसके चक्कर में उन्होंने अपनी लेने की जो कैपेसिटी है उसको कम कर दी है। अच्छा जी। अब वो उतना ही लेके जाते हैं जितना आसानी से उनका माल बिक जाए और जो खराब ना हो। हाँ जी। राणा जी अगर हम बात करते हैं गाड़ियों की, तो स्टोर से जो गाड़ियाँ आई हैं आगरा अलीगढ़ बेल्ट से, ख्याति पुखराज 97 मोहन सारी मिला के आगरा अलीगढ़ की बेल्ट से कुल 65 गाड़ी आई है। अगर हम हाँ जी अगर हम बात करते हैं चिप्सोना की, चंदोसी बिसोली बेल्ट से जो चिप्सोना वगैरह आता है वो आई है 11-12 गाड़ियाँ। अच्छा। अगर हम बात करते हैं सूर्या की, तो सूर्या की गाड़ियाँ में आज काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। हाँ जी। सीधा 17 गाड़ियाँ हुई है, जो 10-11 गाड़ी आ रही है सीधा 17-18 गाड़ियाँ हो गई है। ये सूर्या वाली जी। सूर्या की, ये सूर्या है सारा। अच्छा। ये उसका बम्पर है, ये आलू है, ये उसका गुल्ला है। अच्छा। ये सामने गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ जी। इसके और ये वाली जो आपको मैं सूर्या बता रहा हूँ ये सारा चंदोसी बेल्ट का है। अच्छा। चंदोसी बिसोली वजीरगंज वाली बेल्ट का। अगर मैं बात करता हूँ LR की, तो LR की आई है 9-10 गाड़ी आई है, जो डायमंड और पुखराज वगैरह जो आ रहे हैं वो स्टोर के। हाँ जी। तो कुल मिला के हमारे पास 107 गाड़ी बनती है, जिसमें से 68 गाड़ी मेरे को बताया, 58-60 गाड़ी कल का बैलेंस है। अच्छा जी। अब राणा जी आपको मैं अगर रेट वगैरह बताने शुरू करूं, ये जैसे सूर्य आलू है ये सारे जो है वो चंदोसी बिसोली बेल्ट के हैं। हाँ जी। ये मान के चलो ये मोटा है, ये वाला 800-850 तक की रेंज के अंदर है, ये वाला सामने ये मार्के वाला है आलू, ये मान के चलो आप 800 से लेके 900 रुपए तक की रेंज में है। अच्छा। कोई बहुत VIP कोई माल आ जाए वो 1000 टच कर जाए, लेकिन अभी जो है 1-2 दिन से वो बाजार 1000 वाले नहीं चल रहे। अच्छा। अगर मैं बात करता हूँ ये सामने गुल्ले की, बहुत बढ़िया गुल्ला निकाल के लाए हमारे किसान भाई, इसकी अगर मैं बात करता हूँ इसका जो रेट है वो मान के चलो 600 रुपए से लेके 650 रुपए तक की रेंज के अंदर ये बिकना चाहिए। अच्छा जी। हाँ जी। बाकी ये इसी का ही असल है सूर्या का। अच्छा। मतलब दाना दाना देख सकते हो, बिल्कुल बढ़िया बन के आलू आया हुआ है। अच्छा जी। ये बात करते हम LR के गुल्ले की, तो LR का गुल्ला वही बिक रहा है 500 से लेके 520-530 रुपए तक की रेंज के अंदर। अच्छा जी। बढ़िया मोटे गुल्ले। अगर मैं बात करता हूँ ये 97 की, ये 97 का ये असल पलटे हुए हैं। हाँ जी। इनकी जो रेंज चल रहे हैं वो 500 रुपए से लेके 600 रुपए तक की रेंज में बिक रहा है। अच्छा जी। 500 से 600। इसमें क्या है, जो बढ़िया आलू है वो तो सामने 550-560-570 के बिक जाते हैं। हाँ जी। या जो एक आध गाड़ी माशा का उठा ले वो 600 टच हो जाती है। जो परचून बेचने वाला रेट है, जो एवरेज आलू जो है वो मान के चलो 500 से लेकर 520-530 रुपए तक बिक रहे हैं। अच्छा जी। अगर इसी में मैं बात करता हूँ सामने वो हाइब्रिड आलू है। हाँ जी। वो पलटा हुआ है। हाँ जी। उसके अब उसका लॉट वो सामने लगाया हुआ था, उसका जो रेट है वो मान के चलिए 450-420-430 से लेके 450, बहुत कोई VIP आ जाए वो 460-470 रुपए तक की रेंज। अच्छा जी। बाकी ये चिप्सोना है चंदोसी का। हाँ जी। इसकी जो रेट है वो मान के चलिए 650-660 से लेके 720-730 रुपए तक, बढ़िया टॉप क्वालिटी। अच्छा जी। बाकी राणा जी थोड़ा जो ग्राहक है इस टाइम पे, ग्राहक भी थोड़ा सा इस टाइम परेशान है, आप दिखा सकते हो ये लाइन लगी हुई है, सारे देख रहे हैं, जबकि ये आलू कल लेके गए हैं सेम इसी वैरायटी का, आज फिर आए हैं लेने, लेकिन आज कोशिश कर रहे हैं कि और 10-20 का जो है भाव नीचे आ जाए। अच्छा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम ग्राहक को भी सहमति दे और किसान को भी सहमति दे, दोनों के मिला के जितना बढ़िया से बढ़िया रेट किसान को हो सकता है और जितना से बढ़िया एक रेट जो है वो ग्राहक को मिल सकता है, हम वो दिलवाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। लेकिन जो मौसम है ये अगर थोड़ा सा हमारा साथ दे जाए तो बिक्री जो है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। आज तो सुबह से ही हवा चल गई, पता नहीं राणा जी, हम लोग तो कल से देख रहे हैं नेट के ऊपर बरसात लिखी हुई थी। अच्छा। कल बड़ी भयंकर, लेकिन कल पूरा दिन कोई शाम को कोई बरसात नहीं हुई,
आज भी लिखा हुआ है, पता नहीं भगवान जाने अगर कोई मौसम करवट लेता है तो थोड़ी सी बिक्री आलू की खुलनी चाहिए। अच्छा, जितनी गर्मी पड़ेगी उतना जो है बिक्री जो है वो डाउन हो रही है। प्लस जो मेन मार पड़ रही है राणा जी, वो पड़ रही है जो हरी सब्जियां हैं, इनके जो रेट है ये सबके डाउन है। हरी सब्जी के चक्कर में अंदर जो ग्राहक जो है ये कोशिश करता है कि वो मैं हरी सब्जी बेचूं या फिर सामने कल फल फ्रूट वगैरह बेचूं। हाँ जी। आम वगैरह, खरबूजे, तरबूज जो इस टाइम रज के आ रहे हैं, जिनकी फसल इस टाइम बम्पर है। हाँ, ग्राहक कहता है मेरे को दो पैसे मिल रहे हैं तो मैं उसको उस चीज को मैं बेचना चाहता हूँ। तो इसलिए जो है आलू की जो बिक्री है वो थोड़ी सी डाउन चल रही है। बाकी मेरे किसान भाइयों से यही थोड़ी दरख्वास्त है, अराइवल को कंट्रोल में रखे। इस कहते हैं ना, इस टाइम का सबसे बड़ा हल यही है, इसका तोड़ यही है कि अराइवल अगर कंट्रोल में रहेगी, ऑप्शंस ग्राहक को कम मिलेंगे, ऑटोमेटिकली जो है वो गाड़ियां बिकेंगी। पर मालिक हमारा बिक ही नहीं रहा, माल तो बहुत कम आ रहा है राणा जी। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी गाड़ियां पिछले आपने सप्ताह देखी होंगी सारी 100 से नीचे थी, 85-90-95 तक। अब जो 100 से ऊपर जा रही है ना, जो 20-25-30 गाड़ियां ऊपर जाती है, वो जो है वो बैलेंस को बनाती चली जाती है। अच्छा जी। जो हमारा 90 गाड़ी में बैलेंस बचता था वो बचता था 30 एक गाड़ी, 25 से 26-30 गाड़ी के बीच में। हाँ जी। और जहाँ ये 100 से ऊपर जा रही है, 120 गाड़ी हो रही है, वहाँ बैलेंस बच रहा है 60 गाड़ी। हाँ, कंट्रोल में रखना है। जो देखो, सौदा करो जी, देख लो क्या करे जी। दे दो सामने दो पर्चियां काटो। हाँ जी। अब यही ग्राहक है वो कल सामने यही जो है लॉट एक गुल्ला लेके गए 511 का। अच्छा, आज बेच के आए हैं लेकिन आज मंडी में अराइवल ज्यादा होने के चक्कर में, बैलेंस रुकने के चक्कर में, और उनको ऑप्शन ज्यादा मिल रहा है, तो आज हमको 10-5 वो मंदा करके देना पड़ रहा है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात है राणा जी, हम क्या होता था, हम कह रहे थे ना मौसम जब अच्छा रहता था हमारे पास, हम भी एक ठेठ इसको नीचे उतार देते थे, हमको पता है ये लॉट बिक जाएगा। आज नहीं बिका, ये कल बिक जाएगा, ऑर्डर इसकी एक वैल्यू है, ये माल इतने का बिकना चाहिए। लेकिन वो गर्मी के चक्कर में आलू जो है अच्छे खास, जब स्टोर से भी आलू जो है इक्का दुक्का डैमेज आने लग रहे हैं। अब वो भगवान जाने क्या रीजन है, वो गर्मी का रीजन है क्या, कुदरत का एक नियम चल रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि आलू जो है वो बैलेंस एक बना रहे, गाड़ियों का एक कंट्रोल बना रहे और धीरे धीरे आलू निकलता चला जाए। हाँ जी। बाकी वैरायटियां सारी मंडी में आ रही है राणा जी, कोठे के आलू इस टाइम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, ना के बराबर आ रहे हैं और ना के बराबर उनकी बिक्री है। अच्छा जी। एक दो तीन हमारे किसान भाई फ्राई सोना का भी रेट पूछते हैं और डायमंड का भी रेट पूछते हैं, जो चंदोसी साइड का, इनका जो रेट है ये आपको बता देता हूँ, ये मान के चलो 700-750, बहुत VIP आलू 800 रुपए तक की रेंज में बिक रहे हैं। अच्छा। लेकिन पहले जो बिक्री है वो सूर्या की और चिपसोना की है, उसके बाद जो ग्राहक है वो फ्राई सोना और डायमंड को पकड़ता है। अच्छा जी। हाँ जी। और बाकी जो 7-7 आलू बिक रहे हैं वो आपके हाइब्रिड आलू आ रहे हैं और 97 आ रहे हैं। हाँ जी। और गुल्ला जितना बढ़िया गुल्ला होगा, जितनी बढ़िया क्वालिटी बन के आएगी, आज की डेट में अगर हम गुल्ले की बात करते हैं तो गुल्ले की बिक्री आलू से पहले है। हाँ जी। बेहतर रेट है और पहले बिक्री है, ये गुल्ला आए हुए हैं, ये गुल्ले आए हुए हैं, अब हम आलू बाद में बिकता है, पहले ये गुल्ले बिक जाते हैं छोटे वाले साइज। बिल्कुल, ये गुल्ले बिक जाएंगे, ये बम्पर बिक जाएंगे। अच्छा, आलू के ऑप्शन। हाँ जी, ये बम्पर है जी सूर्या का, ये चंदोसी बेल्ट से आया हुआ है। बाकी राणा जी यही भगवान से प्रार्थना करता है, थोड़ा मौसम में सुधार आए, कुछ गर्मी में सुधार आए, हल्की बहुत बारिश पड़े, जिससे मौसम में कहते ना टेम्परेचर डाउन आए और ग्राहक की जो लेने की कैपेसिटी है वो बढ़े। क्योंकि जब तक ये लोग अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे, हम लोग मंडी से अराइवल को कंट्रोल, हम लोग अपने बैलेंस को खत्म नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ इस टाइम 13,500-14,000 कट्टा है जो इस टाइम नीचे उतरा हुआ है, उसको हमको कंट्रोल करना, उसको हमको निकालना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। तो तभी हो सकता है जब वो गाड़ियां हमारे कंट्रोल में होंगी, बैलेंस हमारे कंट्रोल में होगा, प्लस ये जो हमारे जो ग्राहक है, क्योंकि अल्टीमेटली लेने वाले यही है। हाँ जी, हाँ जी। हमको इन्हीं के भरोसे रहना पड़ेगा, देने वाला हमारा किसान भाई है जो हमारा भगवान है, और लेने वाले हमारे ये हैं। मार्केट में तो यही बेचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब औखा सोखा देखो, इनकी भी बात ठीक है कि गर्मी इतनी पड़ रही है, अब ये 3-3 दिन का आलू लेके जा रहे हैं और उस आलू को ही 5-5 दिन में उठा रहे हैं। हाँ जी। आलू तो बिक जाता है, लेकिन वो खुद कहते हैं भाई साहब, जहाँ 10 कट्टे एक दिन में बिकते थे, आज की डेट में वो 4-5 कट्टे बिक रहे हैं। ग्राहक नहीं निकलता जी। बस बस, सबसे बड़ी बात है। और आगे एंड कंज्यूमर भी जो है, जैसे हम लोग रोज जो मार्केट में निकलते हैं, हम लोग भी गर्मी के मारे नहीं निकल पा रहे। प्लस ये ऑनलाइन ने जो सिस्टम खराब कर रखा है, इसके चक्कर में बड़ा फर्क आ गया कि कंपनियां डायरेक्ट पीछे से माल उठा रही हैं और हमारे किसान वगैरह और जो हमारे ग्राहक ये जो बेचने वाले हैं, ये बेचारे जो हैं ये रह जाते हैं जो गर्मी में फड़ियां वगैरह लगा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जरूर इनके लिए थोड़ा सा इनका ध्यान दें, कंपनियों के मुकाबले इन लोगों से लें जो बेचारे गरीब अपनी मेहनत करके पूरा दिन धूप में पसीने के अंदर मेहनत करते हैं। हाँ जी, ताकि हमारे किसान को भी 2 पैसे मिल पाए और हमारे ग्राहकों को भी 2 पैसे मिल पाए। धन्यवाद भाई, शुक्रिया शुक्रिया राणा जी। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जस्ट करंट ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99999-39604-99999-39604। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया राणा।